हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, कल का इंतजार मत करो क्योंकि कल तुम्हारा इंतजार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल आता है। Do not wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you. Therefore, tomorrow always comes tomorrow. Move करते हैं first question पे। उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टियां और निकास विकल्प प्रदान करने के लिए इसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की है। वो has launched several educational initiative including academic bank of credit to provide multiple entry and exit options for students in higher education. Option hai Narendra Modi, Amit Shah, M. Venkaiya Naidu, Ramnath Kovind. Iska right answer hai Narendra Modi. उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टियां और निकास विकल्प प्रदान करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद राधाकृष्णन ने हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर पुरस्कार जीता है, पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आनंद राधाकृष्णन हैज रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस विल आइजनर अवार्ड। द अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन है रंगमंच कलाकार, खेल उद्योग, पत्रकारिता, कॉमिक उद्योग। इसका राइट आंसर है कॉमिक उद्योग। आनंद राधाकृष्णन ने हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर पुरस्कार जीता है, पुरस्कार कॉमिक उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन रिया तक बनो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बी एक्सपर्ट मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है राजस्थान। मिशन रिया तक बनो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बिल पे के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ भारत बिल पे। ऑप्शन है पायल कपाड़िया, एंड वेणुधर रेड्डी, पी साईनाथ, नुपुर चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है नुपुर चतुर्वेदी। भारत बिल पे के नए सीईओ के रूप में नुपुर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक पहल शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने सार्वजनिक निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे चुना गया है? वो हैज बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2021 इन द ब्यूटी पेगनेट। ऑप्शन है रोशनी तिवारी, अर्सी लालानी, मीरा कसारी, विदेही डोंगरे। इसका राइट आंसर है विदेही डोंगरे। सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज विदेही डोंगरे को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बागवान कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल टाइगर स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एज मीटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? ऑप्शन है 10 टाइगर रिजर्व, 12 टाइगर, 14 टाइगर रिजर्व, 16 टाइगर। इसका राइट आंसर है 14 टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय बागवान कार्यकारी समिति ने भारत के 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 डायग्नोस्टिक में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? Which of the following country has announced a travel ban for 3 years and heavy fines on citizens traveling to countries included in its COVID-19 red list, including India? Option है नेपाल, जापान, चीन, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत सहित अपने COVID-19 रेड लिस्ट में शामिल देश की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? विच यंग प्लेयर फ्रॉम दिल्ली हैज वॉन द नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल रिसेंटली? ऑप्शन है कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सौनक अग्निहोत्री, प्रियंका सचदेवा। इसका राइट आंसर है वंतिका अग्रवाल। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चाइना टू द US। ऑप्शन है किन गांग, अली गेमिंग, हाउ यांगकी, नॉन्ग रोंग। इसका राइट आंसर है किंग गांग। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर किंग गांग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात काडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? विच सीनियर IPS ऑफिसर ऑफ गुजरात काडर हैज बीन मेड द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस? ऑप्शन है मनु महाराज, चंद्रभूषण सिंह, राकेश अस्थाना, अरविंद कुमार चौहान। इसका राइट आंसर है राकेश अस्थाना। गुजरात काडर के वरिष्ठ IPS अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? वो अमंग द फॉलोइंग टुक ऑथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन है वाशवराज बोम्मई, जगदीश शेटार, लक्ष्मण सावदी, प्रहलाद जोशी। इसका राइट आंसर है वाशवराज बोम्मई। वाशवराज बोम्मई कर्नाटक के नए CM बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रेन पंप टैप योजना को शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ड्रेन पंप टैप स्कीम टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रेन पंप टैप योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 रिसेंटली? ऑप्शन है चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदंबी, नंदू नाटेकर। इसका राइट आंसर है नंदू नाटेकर। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया, वे 88 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति सलाहकार कोलियर्स में भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO फॉर इंडिया एट प्रॉपर्टी एडवाइजरी कोलियर्स। ऑप्शन है रमेश नायर, स्वाति गुप्ता, शीतल गोयल, धर्मेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर है रमेश नायर। संपत्ति सलाहकार कॉलियर्स में भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में रमेश नायर को नियुक्त किया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।